इंदौर में साइबर ठगी के रोज रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। खजराना क्षेत्र में एक रोचक मामला सामने आया है। खजराना पुलिस ने एक दुकानदार की शिकायत पर युवक को पकड़ा है। पकड़ाए आरोपी ने खुद को पुलिस कर्मी बताकर दुकान से 1 लाख से अधिक का किराना माल खरीदा था और फर्जी मैसेज के जरिए दुकानदार को मैसेज दिखाकर भाग निकला था, जिसे दुकानदार ने ही सूझबूझ से पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। दरअसल यह ईशान गुप्ता की किराना दुकान है। यहाँ पिछले दिनों एक सचिन मुकाती नामक युवक आया और खुद को पुलिस कर्मी बताकर उसने 1 लाख रुपए से अधिक का किराना सामान खरीदा, जिसके बाद दुकानदार को आरोपी ने IDFC बैंक की डमी ऐप से 60,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। जब पैसे दुकानदार के खाते में नहीं आए तो उसने जाँच पड़ताल की, पूरे मामले का खुलासा हुआ। खुद को पुलिस कर्मी बताने वाला युवक साइबर ठग निकला, जो अब तक कई लोगों से ठगी कर चुका है। 4 से अधिक मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। सचिन मुकाती नाम का बंदा है, ये हमारी दुकान पे 31 तारीख को आया था ग्राहक बन के कि मैं विजयनगर थाने में CSP साहब के अंडर में काम करता हूँ और मुझे किराने का सामान चाहिए, आप मुझे किराने का सामान होलसेल में देंगे, हमारा होलसेल का काम है MR9 पे श्री श्याम सरकार ट्रेडर्स के नाम से। उन्होंने हमें 1 तारीख को किराने की लिस्ट ला के दी और बोला कि आप इसका बिल बना के दे देना और इसका पेमेंट हम आपको NEFT द्वारा करेंगे। अच्छा, हम NEFT स्वीकारते हैं। हमने बोला कि ठीक है, आप कर दीजिएगा। हमने इनको 1 तारीख के दिन रात को पूरा बिल का एस्टिमेट बताया, करीबन इनका बिल 1,30,000 के आसपास का हो रहा था। इन्होंने हमको 2 तारीख के दिन सुबह NEFT की डिटेल व्हाट्सएप पे 1,30,000 की दी और वो डिटेल इसका सामान हमारे पास दोपहर में 12 बजे के आसपास लेने भी आए। हमने पूछा NEFT का पेमेंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। इन्होंने बोला NEFT का पेमेंट में 4-5 घंटे लगते हैं, शाम तक आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। हमने इनकी सारी ट्रांजेक्शन ID वगैरह सब देख के इनको माल दे दिया। इसके बबाद इन्होंने हमारा 3 तारीख को संडे आ गया था, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। 4 तारीख के दिन सुबह बोलते कि आज 6 बजे तक किसी भी हालत में पेमेंट आ जाएगा। हमने इनको फिर प्रयास किया, बोले मैं शिरडी आ गया हूँ, अब 2 दिन में आके करूँगा। 5 तारीख को हम पेमेंट नहीं आने पर हम इनकी IDFC बैंक द्वारा जिससे NEFT हुआ था वहाँ पर गए। वहाँ पर IDFC में इनका अकाउंट नंबर की जानकारी ली, वहाँ पर इनका अकाउंट राजेंद्र नगर होम ब्रांच में है, वहाँ जाके पता करा। वहाँ से हमें जानकारी मिली 2018 से इनका अकाउंट नहीं ले, उसमें 1 भी रुपए का ट्रांजेक्शन। अपने आपको क्या बताते हुए धोखाधड़ी करके नहीं बताया, विजयनगर पुलिस स्टेशन में CSP साहब के नीचे वो काम करते हैं, पुलिस वाला बताकर हमसे, हमने उनको ये समझ के उन्हें समझा, डरा भी रहे थे, पुलिस का नाम लेके डरा रहे, धमका रहे थे क्या? मतलब पुलिस का नाम लेके बोल रहे थे मैं पुलिस वाला हूँ। कितना सामान लेके? 1,30,000। 1,30,000 का नाम बना था, मेरा नाम ईशान गुप्ता है। किस तरह की कार्रवाई की गई है और क्या है पूरा? अभी फरियादी ईशान गुप्ता ने हमें सूचना दी थी कि उसकी किराना शॉप है और उस किराना शॉप पे एक व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस वाला बताया कि मैं CSP विजयनगर साहब के यहाँ पर काम करता हूँ और उसने उसकी शॉप से 1,30,000 का जो है किराना सामान परचेस करने की लिस्ट दी और सामान परचेस किया था पहले। उस सामान में उसने बताया था कि मैं NEFT से आपको पेमेंट करूँगा और उसने IDFC बैंक के ऐप के माध्यम से पहले 60,000 कुछ उसको पेमेंट करने के लिए बताया था और जो पैसा उसने ऐप के थ्रू पेमेंट किया था वो एक्चुअली उसने उसका फ़ायदा उठाकर उसने एक्चुअली ये आरोपी जो है वो एथिकल हैकर भी है, सचिन मुकाती है आरोपी का नाम, और इसके द्वारा उसमें नाउ और लेटर 2 ऑप्शन आते हैं, उस ऑप्शन में लेटर वाला ऑप्शन दबाकर और सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का एक मैसेज जो स्क्रीन पर आया वो उनको दिखाकर और उसके साथ धोखाधड़ी की और बाद में जब उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो उन्होंने उस व्यक्ति को फिर दोबारा फ़ोन किया कुछ 2-3 दिन बाद और उसको बोला कि आपका आधा सामान भी जो बचा हुआ है वो भी आप ले जाइए और काफ़ी सूझबूझ का परिचय दिया इसमें जो फरियादी ने और उसमें फिर कुछ लोगों के माध्यम से उसको फिर पकड़ा। जब वो दोबारा दुकान पर आया तो उससे ये बात सामने आई कि ये जो ऐप है IDFC बैंक का उसमें या तो कुछ लेक्यून है या एथिकल हैकर होने के नाते इसने उसको हैक किया है। इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और कल हम लोग बैंक अधिकारियों से भी मिलकर इसके बारे में बताएंगे और अगर ये ऐप में लेक्यून है तो उसको बंद करवाएंगे। सर, अगर डमी ऐप बनाया है, अधिकारी का भी होना बताया जा रहा है सर, ये सरकारी अधिकारी खुद को बता रहा था? नहीं, ये पुलिस में अपने आप को बताता, इसने कटिंग भी अपनी बिल्कुल पुलिस की जैसी कर रखी है और ये विश्वास दिलाने के लिए लोगों को कि मैं सही व्यक्ति हूँ, अपने आप को पुलिस वाला बताता था। कितनी जगहों पर सर इसने अभी हमारे पास जो फरियादियाँ हैं उसमें एक और फरियादी भी हैं जिनके द्वारा बताया गया कि इसी तरह का व्यक्ति है जो कि बैंक में भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं तो बैंक से भी पता चल जाएगा क्योंकि कई लोग उसके पास गए होंगे इसकी तस्दीक करने के लिए। जब उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया
तो वो उसकी तस्दीक करने बैंक गए हों तो वहाँ से भी हमको जानकारी मिल जाएगी। पुलिस वाला बन के 2 लाख रुपये ले लिया किसी से? हाँ, ये इसने लोगों से उधार भी पैसा लिया था, तब तो इसने पैसा उधार लिया था और इसने अपने आप को पुलिस बताया था। उस पर भी हम लोग धोखाधड़ी और छद्म विवरण धारा 170 का भी हम लोग प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। विजयनगर में ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, इसने साइबर सिक्योरिटी में भी पढ़ाई की है और ये पुलिस के जो है कुछ हैकिंग के जो काम आता था इसको करना आता था और उसी प्रकार से इसने इथिकल हैकर अपने आप को बताता है और इसके पास जो है इसने गलत संगत में आकर ये काम करना बता रहा है। इसके पास एक दो एम्बुलेंस भी है जो कि इसने वहाँ पर भी इसने शायद पैसा नहीं चुकाया है, एम्बुलेंस इसने किराए पे ली है लेकिन अभी तक उसको पैसा नहीं चुकाया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अभी उसकी तस्दीक कर रहे हैं, इसने वहाँ इसका कहना कि मैंने तो पैसा दिया है वहाँ पर होटल जो बुक कराई थी, अभी उन सबकी तस्दीक हो रही है। अभी प्रथम दृष्टिया अभी हम लोगों ने धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया है, अब इससे पूछताछ करेंगे। और बाकी एम्बुलेंस चलाने के रूप में, जो किराए के चलाने के रूप में, कहाँ का रहने वाला है? ये बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है और इसकी बाकी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं, इसने कहाँ का अपराध किया इसकी भी हम जानकारी उठा रहे हैं। क्या काम करता पेशे से ये? जी पेशे से क्या काम करता, मतलब कोई पेशे से इसकी दो एम्बुलेंस चलाता था, ये उसी से इसका आया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।